हेलो एंड वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS स्टूडियो को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जार फाइल रन कर लिया था जो कि यहाँ पे रन कर रहा है। अब हमें इस प्रोजेक्ट को, मैंने बोला था कि ये 2030 पे रन कर रहा है और इसको हमें लाइव करके देखना है। तो लाइव करने के लिए सबसे पहले एक सब डोमेन बनाते हैं। तो सब डोमेन के लिए आपको पता है कि जैसे हमने सर्वर का सब डोमेन बनाया था, ऐसे ही अपने API के लिए बनाते हैं। मैं इसे एज अ API रीड करूंगा और बेसिकली वो API है भी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ API और इस पे आपको देनी होती है IP। देन अब आपका API.openmarketing.com रन करना चाहिए। API डॉट जो भी आपका URL है openmarketing.com रन करेगा और NGINX चलेगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट पाथ पे इसी को लगा रखा है। और सर्वर पे जब आप देखेंगे या इस पे डायरेक्ट ओपन मार्केटिंग ओपन करते थे तो हमारा ओपन मार्केटिंग का प्रोजेक्ट रन कर रहा था और सर्वर डॉट ओपन मार्केटिंग डॉट कॉम पे हमारा अपना वैम सर्वर रन कर रहा था। अभी हमें कॉन्फिगर करना है कि API वाले पे जो हमारा जावा का प्रोजेक्ट है वो रन कर जाए। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है, सर्वर पे आना है, अपने NGINX कॉन्फ़िग फाइल पे एडिट करना है। NGINX पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िग पे आ जाएंगे और यहाँ पे NGINX का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लेंगे। नीचे आएंगे, जैसे हमने सर्वर लोकल होस्ट के लिए सर्वर के लिए बनाया था वैसे ही यहाँ पे बना देंगे फॉर API। सर्वर को हटा के API कर देंगे API, और इसका API को हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे। ये हो गया API.openmarketing.com। पोर्ट आपका किस पे रन कर रहा है, 2030 पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट कहीं भी रन कर रहा हो वो सारा हमारा 80 से ही बाई यूजिंग NGINX रन कर जाएगा। आप अगर ऐसा कोई डोमेन लेंगे जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा NGINX का पेज लगा हुआ है वो रन करेगा। आप उसकी जगह कुछ और भी चेंज कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट पोर्ट। तो इसको हम सेव करते हैं और हमें अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। NGINX को रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपने ये जो चेंजेज किए हैं ये अप्लाई नहीं होगा, जिससे आपको सामने इफेक्ट नहीं दिखेगा जबकि यहाँ पे आपने सब कुछ सही किया है। तो NGINX सर्च कर लेते हैं, ये हमारी NGINX की सर्विस है, इसे आप रीस्टार्ट कर दें यहाँ से। ठीक है, ये हमारी सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गई है। अब हम आते हैं और API डॉट ओपन मार्केटिंग को देखते हैं। देखिए ये वाइड लेवल एरर आ रहा है क्योंकि ये इसी तरीके से बनी हुई API है। इसमें एक पाथ है स्लैश कॉइंस, क्योंकि ये एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे क्वाइंस जब आप सर्च करेंगे तो आपको क्वाइंस के लिस्ट मिलनी चाहिए। यस, देखिए परफेक्टली अब हमारी ओपन मार्केटिंग पे रन कर रहा है। एक्चुअली में ये मैक डीफेस का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, ये तो डोमेन हमने कॉन्फ़िगर किया है एक एक्स्ट्रा आपकी टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें किया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि API.openmarketing.com पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब हमारे पास क्वाइन इस पे एक URL मेंशन है तो क्वाइंस आ रही हैं। इसी तरीके से इस पे और कुछ भी होगा जो कि हमें याद तो नहीं है, प्रोडक्ट्स, तो वाइड लेवल एरर है, यानी कि ऐसा कोई भी पाथ नहीं दिया गया है। तो सिंपली अभी इस पे क्वाइंस ही चल रहे हैं, तो इस पे क्वाइंस का डेटा आ रहा है। अब इस API को यूज करके हम कहीं भी अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने जावा के प्रोजेक्ट्स को क्या करना है। जावा के प्रोजेक्ट को आप किसी भी पोर्ट पे चला लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में समझा ही दिया था, उसको किसी भी आप पोर्ट पे चला लीजिए। उस पोर्ट को अलाउ करना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली NGINX की फाइल पे आकर अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दें किसी एक डोमेन पे और आपका ये वाला प्रोजेक्ट इस डोमेन के साथ रन कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। जितने भी जावा के प्रोजेक्ट रन करेंगे वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, और जो भी आप नए नए अगर और भी जार फाइलें रन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप वार से कर रहे हैं तो आप अपाची का यूज करके उसको भी चला सकते हैं और उनके जो URL बनेंगे उन URL को आपको
अपने कॉन्फिगर फाइल में डालने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कुछ आगे एडवांस चीज़ों पे देखेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक की नॉलेज आपके लिए सफिशियंट है, इससे आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग कैसे राउटिंग कर सकते हैं AWS के थ्रू, AWS का SSL कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से कुछ एडवांस चीज़ें बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।